आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करती हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुगर कॉटन टेक्सटाइल एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर फुटलूज इंडस्ट्रीज। तो ये जो हमारी शुगर कॉटन टेक्सटाइल है इनको क्या है, फुटलूज इंडस्ट्रीज बताया गया है, जो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये फुटलूज इंडस्ट्री तो है ही नहीं, क्योंकि फुटलूज इंडस्ट्रीज में तो क्या है, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स और वॉचेस वगैरह आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन इंडिविजुअली, यानी कि इनमें से ऐसे कौन सा टाइप है इकोनमी का जिसके अंदर क्या है, जो प्रोडक्शन होता है ना वो हर एक बंदा करता है, यानी कि अपना अपना प्रोडक्शन लोग खुद करती हैं और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैपिटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जो क्या है, दूसरे इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल तैयार करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसिक इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, यानी कि इनमें से कौन सा पेयर सही मैच किया हुआ है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पिट्सबर्ग। देखो ये बाकी के जो ऑप्शंस है ना वो आपकी बुक में इतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किए हुए, लेकिन जो पिट्सबर्ग के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बता रखा है और इसी के बारे में यहाँ पे पूछ रखा है, तो आपको क्या है करेक्ट मैच ढूंढना है बजाय कि उसके कौन से गलत है आप वो ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूहर। और रूहर क्या है, जर्मनी का 80% स्टील प्रोडक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड इन विच एक्टिविटीज़, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किस एक्टिविटी में आती है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जो क्या है, रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से लेती है, यानी कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड उसका रॉ मटेरियल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉटन। कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेदर भी लग सकता है, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है क्योंकि लेदर क्या है, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिलिकन वैली लोकेटेड, यानी कि सिलिकन वैली किस सिटी के पास स्थित है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि बड़े स्तर के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ट्रेडिशनली, उसमें से इनमें से क्या नहीं आता वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेयरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच एरिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज कॉल्ड रस्ट बाउल, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के किस एरिया को जंग का कटोरा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्सबर्ग। और इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लोहे की इंडस्ट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री बिलोंग टू, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है, सिंथेटिक कपड़ा होता है, वो इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर क्या है, केमिकल से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल तैयार करती है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसिक इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक इंडस्ट्री, यानी कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है बेसिक इंडस्ट्री का वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी क्या है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैं। क्योंकि अब साबुन बन गई तो साबुन से आगे तो कुछ बनाया नहीं जा सकता, वो डायरेक्टली क्या है, कंज्यूमर को दे दी जाएगी। और ऐसे ही क्या है, चाय पत्ती को क्या है, आगे हम उसका मैन्युफैक्चर करके तो कुछ नहीं बना सकते, तो वो भी क्या है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के अंदर ही आती है। उसके बाद में ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री है, ब्रेड का भी हम मैन्युफैक्चरिंग
मार्केटिंग और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी क्या है, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में आता है। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो ये बताओ कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिनकी मालिक गवर्नमेंट होती है, उन इंडस्ट्रीज़ को हम क्या बोलते हैं या उन सेक्टर को हम क्या बोलते हैं। तो यहीं पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज खत्म होते हैं इस चैप्टर के। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, और हाँ, जियोग्राफी की स्ट्रैटेजी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है तो उसे भी ज़रूर से देख लेना।